जेल में भी हत्याएं हो रही है, मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई है, तो क्या मानते हैं कानून व्यवस्था पर कहां तक सवाल उठाया जा सकता है? जब सपा की सरकार थी तो आरोप लगाए जाते थे कि इससे खराब सरकार नहीं हो सकती है, कानून व्यवस्था जिस तरह से बिगड़ी हुई है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी सरकार जिस सरकार में जेल के अंदर गोली मारकर हत्या करी जा रही हो, उस सरकार से खराब सरकार कानून व्यवस्था में कोई नहीं हो सकती है। मुन्ना बजरंगी की गोली मार के हत्या कर दी गई। 29 तारीख को उनकी पत्नी बयान देती हैं कि ये जो सरकार है ये एनकाउंटर करवाना चाहती है, तो मेरे पति की सुरक्षा बढ़ाई जाए, और उसके 15 दिन होते नहीं है और जेल के अंदर गोली मारकर हत्या, तो इससे सीधे सीधे संदेह भी खड़ा होता है कि ये हत्या सरकार ने करवा दी। पहले गुंडेगर्दी होती थी, गुंडे आपस में हत्याएं करते थे, और जेल के अंदर हत्या करवाने माने सरकार हत्या करवा रही है क्या? ये एक अंकुश खड़ा कर दिया है। और फिरोजाबाद की खास तौर पर बात करें, यहाँ पर लगातार RSS के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, डकैतियाँ पड़ रही हैं, लेकिन कहीं कमी नहीं आई। लेकिन फिर भी कहेंगे कि सपा की सरकार बनी तो गुंडागर्दी होती है, और जब ये सरकार गुंडागर्दी कर रही है भारी पैमाने पर, इसके ऊपर कोई नहीं है, तो ऐसी सरकार को फेंकेगी। मोदी जी, योगी जी लगातार यूपी में रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, क्या मानते हैं तैयारियां जोरों पर हैं सपा भाजपा की, तो किस तरह का चैलेंज है? कि भाजपा पूरी तरह से डर गई है और किसी तरह से चाहती है अपने कार्यकर्ताओं को वो रिवाइव कर सके, उसी में ये लोग लग गए हैं। लेकिन जनता ने मन बना लिया है कि अब केंद्र की सरकार और जो प्रदेश में सरकार है इसको बाहर भेजने का काम करेंगे। अगर ये उत्तर प्रदेश में चुनाव कल करवा दें तो कल के दिन ही ये उत्तर प्रदेश में जिस संख्या से ये जीते थे उतनी संख्या से ये हार जाएंगे। सर, लेखपाल पूरे प्रदेश में आंदोलित हैं, सरकार उन पर कानून शिकंजा कसने की बात कर रही है, मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, कहीं किसी निलंबित हो रहे हैं, क्या मानते हैं? देखिए, लेखपाल शांतिप्रिय तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं। उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाना, कार्रवाई करना, ये गलत है। और डेमोक्रेसी में अगर आदमी अपनी बात नहीं रखेगा, अपना कष्ट सरकार नहीं करेगी, तो किस बात की सरकार है? सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए और काम करना चाहिए।